रामधारी सिंह दिनकर ने रसमिरथी नाम के अपने महाकाव्य में कहा था कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। किसी वृंत में खिले विपिन में, किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ये पंक्तियां पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं हमारे आदरणीय जैन मुनि विद्यासागर जी के बारे में। अभी आपने सुना, हम सब ने भी सुना कि अंतिम समय उन्होंने संथारा करके अपने शरीर का परित्याग किया। जब तक विद्यासागर जी रहे, लोगों के मन में प्रेरणा भरते रहे, संसार की वास्तविकता को लोगों के सामने रखते रहे और जैन मुनि होकर के भी उनका जो दायरा था उसको उन्होंने कभी केवल जैनों में सीमित होने नहीं दिया। सदा किसी भी समाज का व्यक्ति जैन मुनि विद्यासागर जी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोच पाता था कि ये पराये हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको अपने लगते थे और सबसे उनका संपर्क संबंध रहता था। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती को अपनी समाधि के लिए चुना, डोंगरगढ़ पहुंच गए और जा करके वहीं पर उन्होंने व्रत लिया और व्रत लेकर के अपने शरीर को पूरा किया। हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज के प्रति भी उनकी बड़ी सुंदर भावना रहती थी। परमहंसी गंगा आश्रम मध्य प्रदेश के पास जो गोटे गांव नाम का क्षेत्र है, वहाँ के हमारे चौधरी सुरेश चंद जैन जी हमारे गुरु जी और विद्यासागर जी महाराज के बीच में कड़ी बने रहते थे और निरंतर संदेशों का आदान प्रदान होता रहता था और बहुत ही सुंदर वातावरण रहता था। ऐसे उदार मना मनस्वी का, तपस्वी का हम लोगों के बीच में से चले जाना निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति है धर्म के क्षेत्र की। लेकिन उनके जो प्रेरक प्रसंग हैं जीवन के, वे अभी नहीं गए हैं और वे कभी नहीं जाएंगे। लोगों को धर्म के प्रति अग्रगामी होने का की प्रेरणा देते रहेंगे। इस विश्वास के साथ आचार्य विद्यासागर जी के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा हम अभिव्यक्त कर रहे हैं और उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। नारायण।